सिम्मू ने ताका से अंदर की तरफ मुड्डा रखा है, बाबू ने तेड़ा करा के जगह ली है, निकलता हुआ सिम्मू ने बनाया, बाबू रोके हुए हैं, निकलता हुआ जा रहा सिम्मू की तरफ बाहर की तरफ ताकत, बाबू ने खींचा गड़ोता हुआ मुड्डा सिम्मू का, दोनों ताकत से खींचा, बढ़िया पे सिम्मू ने काट दिया, स्कोर 7-6 का हो गया है मुजान काइट क्लब और टाइगर के बीच में। तो फ्रेंड्स, मुजान और टाइगर काइट क्लब के बीच में काटे की टक्कर हुई जिसमें 7 और 8 का स्कोर चल रहा है। मुजान को अगर जीतना है तो 2 काटने और टाइगर को अगर ये राउंड क्लियर करना है तीसरा अपना तो 1 काटना है। तो देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। ऊपर से लड़ा रहे हैं अनस, मुजान काइट क्लब के मेंबर काफ़ी तेज खींच रहे हैं, नीचे से लड़ा रहे हैं बाबू, 8 और 7 का स्कोर है। देखना ये है कि कौन काटेगा, क्या 8-8 के बराबर हो जाएगा और आल आल पे लड़ेगा या फिर एक पेज से आगे होके टाइगर काइट क्लब मुजान काइट क्लब को बाहर कर देगा। पेज सही हो गया है, ऊपर से अनस अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए 450 की रेंज में ये पेज, आखिरी चांस है मुजान के लिए और लेकिन अभी 2 चांसें बची हैं टाइगर के पास, तो देखते हैं क्या होगा। अनस ने बाहर का मुड्ढा बनाया, ताका से खींचने लगे, कंटी पट की तरफ बाबू ने खींचा, रोक लिया, वापस अपनी पतंग को खड़ा अंदर की तरफ खींचा है, अनस ने बाहर की तरफ ताका से खींचना शुरू कर दिया, बाबू ने भी ताका से खड़ा खींचा, डोर निकाल दिया अनस ने, बढ़िया पेज काट दिया, बाबू भी रुक गए खींचते खींचते और अनस ये कट गए। तो इसी के साथ टाइगर काइट क्लब ने अपना 3rd राउंड क्लियर कर लिया है 7 और 9 से जीत के। तो फ्रेंड्स, गुलाब और उदयगंज के बीच में पहला पेज हो रहा है, नीचे से लड़ा रहे हैं अफजाल और ऊपर से लड़ा रहे हैं प्रदीप, गुलाब काइट क्लब के कैप्टन और मेंबर। तो देखते हैं कौन ये पेज काटे। 500 की रेंज में बड़े आराम से आज पेज लड़ रहे हैं, बढ़िया हवा है बंधी हुई और मौसम भी एकदम क्लियर है तो पेज भी आपको साफ दिखेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ कुछ मौसम जब ख़राब होता है और आदमी जब अपने नेट से मोबाइल से वीडियो को देखता है तो उसकी वजह से कम दिखता, बाहर की तरफ अफजाल ने ताकत से खींचा है और ये देखिए रोक के झटक रहे थे, बढ़िया पेज अफजाल ने बाहर की तरफ खींच के काट दिया है गुलाब काइट क्लब को और 1-0 का स्कोर कर लिया है। पेज सही चला, नीचे से अफजाल लड़ा रहे, 2-0 का स्कोर है उदयगंज और गुलाब, बहुत बढ़िया ताकत से खींच के अफजाल ने झटक दिया, गजब का पेज काट दिया है और 3-0 का स्कोर हो गया है उदयगंज और गुलाब काइट क्लब के बीच में। और ये हमारे साथ हैं उदयगंज का काइट क्लब जो कि गुलाब से लड़ रहा है, बाकी मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं और ये हैं इस काइट क्लब के कैप्टन अफजाल भाई। पेज सही हो गया है, नीचे से नज़ीर लड़ा रहे हैं घोसी डेली के मेंबर, ऊपर से आयशा के मेंबर लड़ा रहे हैं, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। 2-1 का स्कोर है, 2 काटा है घोसी डेली ने आयशा काइट क्लब लखनऊ को। नीचे से जगह लिए हुए हैं नज़ीर भाई, बढ़िया प्लेयर, ताकत से खींचते हैं, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, आयशा के मेंबर अपनी पतंग चला रहे, कंठी पट की तरफ ताकत से खींचा, काट काट नहीं हुई है, बस जाने दिया, पतंग को अपनी चमकाते हुए नीचे से अभी ऊंचा कर लिया है आयशा काइट क्लब के मेंबर ने। नीचे से दोबारा जगह ले रहे हैं, हाली काली हवा बहुत तेज़ हो गई है 15-16 की, देखते हैं कौन ये पेज काटता है, बढ़िया पेज लड़ रहे हैं। और साथ ही आज ही के दिन शिव मंदिर ग्राउंड पे ही हो रहा है सीनियर सिटीज़न का ऑल इंडिया भी, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के एक से एक बेहतरीन उस्ताद आए हैं और इस गेम को लड़ा रहे हैं जो अपने ज़माने में कभी पीक पे थे। नीचे से पतंग को चमकाते हुए नज़ीर, ऊपर से गुड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया, नज़ीर को चमकाया, नज़ीर ने कंठी पट की तरफ बाहर की तरफ ताकत से बनाया, खींचा लेकिन लेट हो गए, पहले पट की तरफ खींचा फिर बाहर की तरफ खींचा जब तक पतंग कट गई, तो स्कोर जो था 2-2 का बराबर हो गया आयशा और घोसी डेली के बीच में। 3-0 का स्कोर चल रहा है गुलाब काइट क्लब और उदयगंज काइट क्लब के बीच में। उदयगंज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नीचे से अफजाल लड़ा रहे हैं, अपने इसी पतंग से 3 पेज काट चुके हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं प्रदीप, गुलाब के मेंबर खड़ा, ताकत से खींच दिया, निकलता हुआ मारते जा रहे हैं, ताकत से खींचते जा रहे हैं अफजाल, बढ़िया पेज फिर से काट दिया है, 4-0 का स्कोर गुलाब और उदयगंज काइट क्लब के बीच में। एक बार हम अफजाल का चेहरा दिखा देते हैं जिन्होंने 4-0 से आगे चल रहे हैं उदयगंज को बढ़ा दिला रखी है। अफजाल भाई जो बढ़िया लड़ा रहे हैं उदयगंज काइट क्लब के लिए और 4-0 का स्कोर है, सागिब इनकी चरखी दिखाते हुए बढ़िया लड़ा रहा है। तो फ्रेंड, नीचे से आशियाना लड़ा रहा है, ऊपर से लॉयंस लड़ा रहा है, 4-0 का स्कोर है, अली काट रहे हैं, इससे पहले जो आपने वीडियो देखी थी उसमें भी अली ने एक पतंग से 7 पेज काटे थे और इनाम जीता था 1100 रुपये का एक पतंग से 7 काटने का, लेकिन 8वें पे कट गए थे और आज भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, एक पतंग से 4 काट चुके हैं, लेकिन पतंग जो थी वो बीच में किसी ने काट दी, बहुत सी पतंगें उड़ रही हैं, पता नहीं चल पाया दूसरी पतंग लेके आए, वरना आज भी जहाँ तक लग रहा है जिस तरह से लड़ा रहे हैं इनाम उठा लेते। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। नीचे से जगह ले ली अली ने, बढ़िया पतंग लड़ाते हैं आशियाना काइट क्लब के मेंबर और ऊपर से लॉयंस के मेंबर मुड्डा रखते हुए, लखनऊ वर्सेस लखनऊ हो रहा है, बी पुल के ये मैचेस हो रहे हैं जो भी आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं।
बाकी तब ताका से खींचा, खड़ा खींच रहे हैं और देखिए निकलता वो मारा है, रोक के कंटी पट की तब ताका से खींचा, दोनों लोग कंटी पट के तब खींच रहे लेकिन कट गए, काफ़ी डोर फेंकी थी और ऊंची पतंग थी, गद्दा पड़ गया आपकी। 4-1 का स्कोर हो गया है लॉयंस और आशियाना काइट क्लब के बीच में। फ्रेंड्स 4-0 का स्कोर चल रहा है उदयगंज और गुलाब के बीच में, घड़ोता हुआ मुड्डा मार दिया गुलाब के मेंबर ने, ताकत से बाहर अफजाल ने खींचा, देखो तो खींचते जा रहे हैं आपकी बार, बढ़िया पेज गुलाब के मेंबर ने उदयगंज के अफजाल को काट, 4-1 का स्कोर हो गया है उदयगंज और गुलाब काइट क्लब के बीच में। तो उदयगंज और गुलाब काइट क्लब के बीच में पेज हो रहा है, 5-3 का स्कोर है, उदयगंज ने 5 काटे हैं, गुलाब ने 3 काटे हैं, नीचे से साकिब बढ़ा रहे हैं, एक पेज ऊपर से काटा था और ऊपर से गुलाब के मेंबर मुड्ढा रखते हुए नीचे से अपनी इस पतंग से दूसरा पेज लड़ाएंगे साकिब, बढ़िया पेज लड़ाया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उदयगंज और गुलाब के बीच में जो पेज हो रहा है उसमें मैंने भी पेज लड़ाया था, 2 पेज ऊपर लड़ाए थे, तो 3 पेज जो कटे हैं 2 पेज उसमें मैं ही कटा हूँ, एक भी मैंने पेज नहीं काटा। तो 3-5 का स्कोर चल रहा है गुलाब और उदयगंज काइट क्लब के बीच में। तो देखना यह है कि क्या मेरी टीम के लिए साकिब और आगे तक पेज काट सकते हैं कि नहीं। और अफजाल भाई ने शुरू में आते ही 4-0 का स्कोर करा था, तो अब देखते हैं क्या होगा। 5-3 का स्कोर चला है, नीचे से साकिब ने जगह ले ली है, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए गुलाब के मेंबर काफ़ी टेढ़ा करा के अपनी पतंग को चमका रहे हैं, साकिब डबल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भारी पतंग से, और देखने वाला पेज काफ़ी पतंग को कम करते जा रहे हैं, गुलाब के मेंबर ताने हैं अपनी पतंग को, फिर से देखिए अपनी पतंग को तान ले गए हैं, वापस से मुड्ढा रख रहे हैं, पतंग की रेंज कम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी पतंग उतार रहे हैं, पतंग काफ़ी कम कर लिया है साकिब ने, ऊंचा करके मुड्ढा दिया है लेकिन पतंग में मुड्ढा रख नहीं रहे हैं, चला रहे ऊपर से घड़ोता हुआ गड्ढा मारा साकिब ने, ताके से बाहर की खींचा, चक्कर पे लिया, सीधा गड्ढा मारा तो बढ़िया पेज साकिब ने काट दिया है बाहर की तरफ खींच के, और स्कोर जो है 6-3 का हो गया है उदयगंज और गुलाब काइट क्लब के बीच में। तो ऊपर से लड़ा रहे हैं साकिब, 5-8 का स्कोर है उदयगंज और गुलाब के बीच में। निकलता हुआ साकिब ने बनाया, पेज सही हो गया, निकलता हुआ बनाया साकिब ने, रोका, चक्कर ली, पट की तरफ खींचा है, रोका फिर से, फिर मुड्ढा बनाया साकिब ने, रोका, काफ़ी नीचे पतंगे आ गई हैं, नीचे से आसिफ लड़ा रहे हैं गुलाब के मेंबर जिनका आखिरी पेज है, अगर जीतना है तो 4 पेज काटने हैं और उदयगंज को सिर्फ 1 पेज काटना है। निकलता हुआ चला जा रहा है मुड्ढा, टेढ़ा कराए हैं, ताकत से बनाया, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, बढ़िया पेज काट दिया है आसिफ ने साकिब को, और इसी के साथ 8-6 का स्कोर हो गया है गुलाब और उदयगंज के बीच में। पेज सही हो गया है और ये आल का पेज चल रहा है आशियाना और लायंस क्लब के बीच में, दोनों लखनऊ वर्सेस लखनऊ है, तो देखना है कौन काटेगा, कौन अपना राउंड क्लियर करेगा नेक्स्ट राउंड लड़ाने के लिए। आल का पेज, काफ़ी आल के पेज हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बढ़िया टीमें लड़ा रही हैं आपस में, टक्कर की टीमें, टक्कर के प्लेयर्स होते हैं तो आल तक पेज पहुँच जाता है, एक एक पेज कीमती होता है टूर्नामेंट का। तो नीचे से जगह ले ली है और मैं बता दूं जो उदयगंज है और गुलाब के बीच में, उदयगंज ने 6-9 से गेम जीत लिया है, क्योंकि मैं लड़ा रहा था इसलिए वजह से वीडियो नहीं बना पाया, 6-9 से जीत लिया है उदयगंज ने गुलाब से, और नेक्स्ट राउंड लड़ाएगा अपना गुलशन काइट क्लब से। अब नीचे से लड़ा रहे हैं लायंस के मेंबर और ऊपर से लड़ा रहे हैं आशियाना के मेंबर, आल का पेज ये, तो देखना है कौन ये पेज काटेगा, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया लायंस के मेंबर ने, घड़ोता हुआ बनाया आशियाने के मेंबर ने, रोका फिर उसी को रोका, डबल करने की कोशिश करी, अंदर की तरफ पट खींची लेकिन काट नहीं हुई, तो काफ़ी सोच समझ के पतंग लड़ाई जा रही है याली। आल का पेज आशियाना काइट क्लब और लायंस काइट क्लब लखनऊ वर्सेस लखनऊ के बीच में। दोबारा से मुड्ढा रख रहे हैं आशियाने के मेंबर, घड़ोता हुआ बनाया, फिर से रोका, चक्कर लिया, भाग तब खींचा, अंदर तब खींचा है लायंस के मेंबर ने, दोनों लोग ताकत से खींचते जा रहे हैं, दोनों ताकत से खींचे, बढ़िया पेज लायंस के मेंबर ने अंदर की तरफ खींच के आशियाना क्लब को बाहर कर दिया है अपने इस राउंड में। और ये इमरान भाई लड़ा रहे थे हमारे, इन्होंने काटा है आल का पेज आशियाना काइट क्लब को, बहुत बढ़िया इमरान भाई, सपोर्ट करते हुए हमारे काजिम भाई जो कि 10-90 के विनर हैं जो टूर्नामेंट हुआ था, और सुनील भाई हमारे आ गए, अच्छा पेज था भाई, इमरान को 500 रुपए का पुरस्कार नवा पेज काटने पे, आल का पेज आशियाना, और बहुत ही बढ़िया, बहुत और जीवन में पहली बार इतनी तेज दौड़े भाई, आल का पेज नहीं पहाड़ी, बहुत तेज दौड़े थे, हमें डर लग रहा था कहीं ये गिर ना पड़े। घोसी दिल्ली और आयशा के बीच में ये सेकंड राउंड के गेम हो रहे थे जिसमें 8-6 का स्कोर है, 8 काट दिया आयशा ने, 6 काटे घोसी दिल्ली ने, ऊपर से लड़ा रहे हैं शुएब, बढ़िया प्लेयर हैं, देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, क्या 9-6 से गेम जीत लेगा आयशा, खड़ा मुड्ढा खींचा, ताकत से उसी को खींचने लगा, डबल होती हुई पतंग शुएब की भी है लेकिन ताकत से खींचते जा रहे हैं, देख दो लोग ताकत से खींच रहे हैं, डबल हो गई पतंग, बढ़िया पेज शुएब ने काट दिया और 8-7 का स्कोर हो गया है
घोसी डेली और आयशा क्लब के बीच में। तो नीचे से शुएब जगह लिए हुए हैं और अपनी पतंग को ऊपर से उतारते हुए धीरे धीरे सौरभ भाई, और पेस सही हो चुका है, गर्दन की तरफ बढ़ते हुए सौरभ, 8-7 का स्कोर है। काफ़ी कांटे की टक्कर हुई है घोसी डेली और आयशा क्लब लखनऊ के बीच में। ऊपर से सौरभ लड़ा रहे हैं, कैप्टन है आयशा क्लब के, नीचे से शुएब जगह ले रहे हैं, जो कि अजहर नदीम जो दिल्ली की टीम है जे के काइट क्लब उनके साथ लड़ाते हैं, लेकिन घोसी दिल्ली की ओर से लड़ा रहे हैं शिव मंदिर ग्राउंड पे। तो काफ़ी गर्दन के पास पहुंच गए हैं सौरभ, ताकत से फंसाने की कोशिश करी लेकिन पट करके शुएब ने अपनी पतंग को बाहर कर लिया। आगे एक पतंग भी देख रहे हैं, दूर है पतंग, नहीं फंसी, तार वाली पतंग है वो, आवाज़ दी जा रही है। बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए शुएब, तो कैंसिल कराने के लिए कहा गया है, कैंसिल हो गया, पे दोबारा से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड पेस सही हो चुका है, ऊपर से सौरभ भाई अपनी पतंग को रखते हुए, नीचे से शुएब की पतंग, और तेज़ हाथों से सौरभ भाई अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं, नीचे से शुएब लड़ा रहे हैं घोसी कप दिल्ली के लिए। तो देखने वाला पेज क्या होगा, 7-8 का स्कोर, काफ़ी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में हुई है आज पूरा दिन। कभी एक तरफ लगता था कि आयशा क्लब जीतेगा, उसके बाद फिर लगा कि घोसी क्लब जीतेगा, और आप देखिए स्कोर जो है 8-7 का हो गया है। 8 काट दिया आयशा क्लब ने, 7 काटे हैं घोसी क्लब ने। नीचे से शुएब लड़ा रहे हैं जो कि अजहर नदीम के टीम में लड़ाते हैं दिल्ली वाले, जेके क्लब जिसका है। और मैं बता दूं ये दो ऑल इंडिया हो रहे हैं, तो जो मज़ार पे ऑल इंडिया होगा सिल्वर काइट कप, जो मज़ार पे ऑल इंडिया होगा उसमें ये लड़ाएंगे अजहर नदीम के साथ भी। नीचे से शुएब ने जगह ले रखी है, बाहर की तरफ निकलता हुआ सौरभ ने अपनी पतंग को बनाया, निकलते चले जा रहे हैं, रोका, काफ़ी बड़ है शुएब की पतंग नीचे से, देखना यह क्या करेंगे। थोड़ा बाहर को निकलता हुआ बनाया, सीधा गद्दा मारा, उसी को ताकत से भलिया मारते जा रहे हो, निकलता हुआ शुएब ने भी ताकत से मारा, बढ़िया पेज काट दिया सौरभ को, और 8-8 का स्कोर बराबर हो गया है। अब आर लाल का पेज लड़ेगा, तो देखना होगा कि आर लाल पे कौन काटेगा, कौन सा क्लब आगे जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आर लाल का पेज हो रहा है घोसी दिल्ली और आयशा क्लब के बीच में, ऊपर से निहाल, नीचे से शुएब, और आज हवा तेज़ नहीं कहेंगे, आज कहेंगे झक्कड़ चल रहा है एकदम। तो बहुत सी पतंगें आप देखेंगे पेज पर फट जाएंगी या फिर टूट भी सकती हैं, तो देखते हैं इस आल आल के पेज पे क्या होता है। बी पुल का सेकेंड राउंड लड़ा रहे हैं दोनों लोग, आयशा और घोसी दिल्ली। नीचे से शुएब की पतंग काफ़ी बड़ा है, गद्दा मारते हुए निहाल ताका से भाग, तब जैसे ही खींचा शुएब ने ये पेज कट गए। तो बढ़िया पेज आयशा ने काटा, राउंड क्लियर कर लिया है अपने थर्ड राउंड लड़ाने के लिए बी पुल।